खरगोन जिले के ग्राम मून में पीपरी से नर्मदा की पाइपलाइन लाने का कार्य चल रहा है। इस कार्य में लेट लतीफी के चलते उनके रहवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आइए देखते हैं इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता दिनेश दसुंदी की ग्राउंड रिपोर्ट। खरगोन नर्मदा उद्वन पीपरी का यह वह स्थल है जहाँ से ऊन के लिए पाइपलाइन डालकर पानी लाया जा रहा है। इस पाइपलाइन को लेकर कई तरह की बातें सामने आई। पिछले दिनों एक बात और चली थी कि इस पाइपलाइन में 4 इंची की जगह 3 इंची के पाइपलाइन दबा दिए गए हैं। इन पाइपलाइनों को शनिवार से बदलने का काम शुरू हुआ और रविवार लगभग पाइपलाइन पूरी बदली जा चुकी है, किंतु अभी पाइपलाइन को ओपन रखा गया है और आज रविवार टेस्टिंग होने के बारे में बताया गया कि आज इसकी टेस्टिंग की जाएगी और टेस्टिंग होने के बाद में उन्हें पैक कर दिया जाएगा और 3 इंची के पाइप डले हुए उनको निकाल दिया जाएगा। इस विषय में पहले भी चर्चाएँ रही है, लगभग 1 माह से ये काम चल रहा है, 1.5 माह से काम चल रहा है और इस काम में लेट लतीफी के कारण लोग परेशान हो रहे थे। ऊन में खासतौर पर पेयजल की समस्या सबसे ज़्यादा है, लगभग 18 से 20 दिनों में नलों में पानी आ रहा है और इसीलिए यहाँ से ये स्थल से मतलब पीपरी से ऊन के लिए 8 किलोमीटर की पेयजल पाइपलाइन स्वीकृत की गई जिसका काम अभी चल रहा है। इस पाइपलाइन को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट देखते हैं, आइए देखते हैं हमारी विशेष रिपोर्ट। वर्षों से जिले का ऊन गांव पेयजल संकट से जूझता चला आ रहा है। यहां इन दिनों ग्रामीण भीषण पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। ग्राम की इसी समस्या के लिए ग्राम पीपरी स्थित नर्मदा उद्वहन तालाब से ऊन तक पाइपलाइन स्वीकृत की गई। यह कार्य में लेट लतीफी के यहाँ के ग्रामीण खासे नाराज है। पिछले दिनों इस लाइन में लापरवाही बरतते हुए 4 की जगह 3 इंचे के पाइप लगाए जाने की बात भी सामने आई थी। अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद शनिवार से 3 इंचे के पाइपलाइन 4 इंचे की नई लाइन डालकर काम शुरू कर दिया है। फिलहाल जमीन में गाड़ी गई 3 इंचे की लाइन को यथावत रखा गया है और नए 4 इंचे के पाइप की ओपन लाइन डाली गई है और सड़क के किनारे इस लाइन को अभी खुला रखा गया है। बताया गया है कि टेस्टिंग पूर्ण होने के बाद 3 इंच की लाइन को निकाला जाएगा। इधर ग्राम में लोग बेसब्री से नर्मदा के पानी की राह देख रहे हैं। फिलहाल यहाँ के पेयजल में हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि बमुश्किल एक मोहल्ले में पानी पहुँच रहा है। लोगों को पानी के लिए काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। उनसे दिनेश देसौदी की रिपोर्ट। पाइपलाइन का कार्य चल रहा है, कितना हो चुका है और कितना बचा है? 90% काम पूरा हो चुका है। टेस्टिंग करके आज शाम तक पूर्ण था। तो अभी भी रास्ते में कई जगह पे ओपन पाइप पड़े हैं, तो इसको टेस्टिंग के लिए ओपन ही रहे, उसके बाद इसको वापस बुझाएगा। जैसे बीच में चर्चा चली कि 3 इंची पाइप है तो उनको बदलाएगा, पूरा बदल दी गया? पूरे पाइप बदल दी गई। अच्छा, कब तक टेस्टिंग शुरू हो जाएगी? आज कम्प्लीट, शाम को 6 बजे तक टेस्टिंग चालू कर देंगे। जैसे लीड है तो 8 किलोमीटर पूरी हो गई है? 8 से ज़्यादा है। क्या नाम लिखता? अरुण। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।